मंत्री जी, आज हरिद्वार में स्टेट बैंक द्वारा अवैध मजार जो है उनको ध्वस्त किया गया है, तो बंदा में जो अवैध मजार है उन पर कब कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बहुत स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, वन विभाग में कोई भी अतिक्रमण किसी भी धर्म का हो उसके खिलाफ कल कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई आप देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत तेजी से चल रही है और लगातार उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हटाने का काम किया जाएगा। तो जिस तरह से आपके विभाग जरूर रिपोर्ट बनाई गई, अब तक कितनी ऐसे अवैध मजार हैं या ऐसे कोई मंदिर हैं जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया? करीब 335 के आसपास अवैध निर्माण चिन्हित किए गए, जिसमें मंदिर हैं, मजारे हैं, गुरुद्वारे हैं, इनको चिन्हित किया गया और इनको ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन 80 से पहले के हैं, कौन 80 के बाद के हैं, ताकि हमारा पहला फेस का ये है कि 80 से बाद के कमियों पर सख्ती से काम किया जाए। आपके विभाग द्वारा ही अवैध जो मंदिर हैं उनका भी चयनित किया गया, हमको भी उन पर कार्रवाई की। मैंने आपसे कहा ना, कुल 335 प्रकरण हैं मंदिर के, मजारों के, गुरुद्वारों के, और सभी के लिए आदेश दिया गया कि कोई भी अवैध निर्माण न होने दिया, करने दिया जाएगा ना बर्दाश्त किया जाएगा। और इसीलिए ये स्थिति है कि इसमें मैंने आपसे कहा कि चिन्हित किया जा रहा है कि 1980 के पहले ही बने कौन है। 1980 में क्योंकि वन संरक्षण कानून 1980 में आया, तो हमारा पहला फेज है कि 1980 के बाद के कब्जों का मौत सकती है।